नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना वीर सुख ब्लॉग चैनल से सुख हवलदार सभी को जय हिंद, राम राम। तो आज जो HSC की तरफ से नई अपडेट निकल कर आ रही है वो हमारे कुछ 4 से 5 मुद्दे पे है, जो कि पहला रहेगा हमारा 56-57 ग्रुप सी का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसकी हेयरिंग के बारे में। उसके बाद है ग्रुप डी की, जो पोर्टल खुलेगा उसमें जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो आप ठीक कर सकोगे। ग्रुप डी की DV के बारे में और TGT और ग्रुप डी की जो नियुक्तियां रिजल्ट पेंडिंग है उसके बारे में, और फिर अब बात करेंगे हरियाणा पुलिस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको ये फुल डिटेल आगे मिलेगी। तो दोस्तों अब बताते हैं हम सबसे पहले ग्रुप 56 और 57 की। ग्रुप 56-57 जो कि CET का बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टें हैं जिनके अंदर, इसमें जो एग्ज़ाम दे रखा है कैंडिडेटों ने काफ़ी समय से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस पर आधारित हैं कि इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। तो इसकी हेयरिंग 21 फरवरी को है, 21 फरवरी को इसकी हेयरिंग है, और उम्मीद करते हैं कि ये हेयरिंग फाइनल हेयरिंग होगी और कैंडिडेटों को एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और इसके बाद आता है हमारा ग्रुप डी, ग्रुप डी पोर्टल। इसमें आप जो जिसके माँ बहन पिताजी अदरवाइज जिसका भी आपने फैमिली आईडी वगैरह में कोई भी ऐसे नाम जो फॉर्म भरते वक्त आप पे मिस्टेक हुई है वो आप ठीक कर सकोगे ग्रुप डी के जो पोर्टल खुलेगा। इसके बाद आता है ग्रुप डी के DV पोर्टल। DV पोर्टल में आप अपने जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डालोगे उसके लिए पोर्टल खुलेगा, और ये लगभग मार्च के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टल खुल जाएगा और आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद आता है TGT। TGT काफ़ी समय से रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे कैंडिडेट इस पर भी उम्मीद रख रहे हैं कि कब ये रिजल्ट आए और उन्हें खुशी की खबर मिले। TGT लगभग 7 से 8 मार्च, 8 मार्च को इसका रिजल्ट आ सकता है 100%। तो दोस्तों 7 से 8 मार्च आपको ये खबर मिल सकती है। इसके बाद हम बताएंगे ग्रुप डी की नियुक्तियां और हरियाणा पुलिस के बारे में। हरियाणा पुलिस का जो PMT और PST पर बहुत सारे YouTube पर वीडियो चली हुई है, बहुत सारी अफवाह भी चली हुई हैं जिससे कैंडिडेट जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं कभी किसकी की वीडियो देखते रहते हैं। तो आप जो YouTube पर या अदरवाइज किसी भी सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी आती है तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप अपने पहले फिजिकल पर ध्यान दें अगर आपका CET क्लियर है तो, और फिर स्टडी पर ध्यान दें। ग्रुप डी की नियुक्तियाँ, इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है ये आपको आचार संहिता से पहले इसकी नियुक्ति 100% होगी, और आचार संहिता से पहले हरियाणा पुलिस की जो PMT और PST की बुलाए जाएंगे जो जवान, उनको क्लियर करके छोड़ेगी सरकार, इसको पेंडिंग रखेगी इलेक्शन के बाद तक, ये 100% है भाई। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, जो कि नए डॉक्यूमेंट मांगे हैं सरकार ने, जिसमें कि आप EWS, BCA और BCB इन कैटेगरियों के कैंडिडेट जो हैं अपना नए डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले। आज आपको हमने ये जो जितनी भी जानकारी दी है दोस्तों, आप आगे से आगे उन दोस्तों को शेयर करें जो इनसे अभी अनजान है। तो वीडियो को आप फुल देखा करो ताकि आपको फुल जानकारी मिले। अब बात करते हैं फिजिकल की। अब हम अपने चैनल पे
ढाई किलोमीटर फिजिकल जो होगा आपका हरियाणा पुलिस का, उससे रिलेटेड हम अपनी वीडियो डालते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आपको दौड़ने में दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है फिजिकल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अपनी समस्या और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कभी भी आप मोरल डाउन ना रखें, आपको सफलता मिलेगी अगर आपका संघर्ष सख्त है तो। आपका संघर्ष बढ़िया है तो आपकी सफलता उससे भी बढ़िया मिलेगी। मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। तो वीर सुख ब्लॉग चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।